अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक और टॉपिक पर बात करेंगे। तो बेटा आज का जो टॉपिक है लाइक टर्म्स, और क्या हम डिस्कस करेंगे, और बेटा हम डिस्कस करेंगे अनलाइक टर्म्स। तो बेटा अगर हम देखेंगे लाइक टर्म्स, यानी लाइक टर्म्स कमन चीज बनान, लाइक टर्म्स गए तीन टर्म्स यमन जन आसन सेम वेरिएबल्स, जो चीज याद था वो, यानी जिनके वेरिएबल्स क्या होंगे सेम, यानी यमन जन सेम वेरिएबल्स आसन, यमन इन वेरिएबल्स आसन सेम। और क्या है जिगर मेरा, यूजन दो इम चीज बे आसन एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स माने को जिगर मेरा पावर, एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स वो भी क्या होनी चाहिए जिगर मेरा सेम। यानी आपको मैंने बताया कि लाइक टर्म्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें बेटा, यानी लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। यानी मैंने आपको पढ़ाया कि लाइक टर्म्स माने क्या को, लाइक टर्म्स माने गए तीन टर्म्स, लाइक टर्म्स माने गए तीन टर्म्स यमन हिंद जन वेरिएबल त्यासन सेम, तो वेरिएबल हिंद एक्सपोनेंट्स त्यासन सेम। यानी मैंने आपको पढ़ाया कि जिनके वेरिएबल्स सेम होंगे, अगर तो जिगर मेरा एग्जाम्पल नहीं टू एक्स बेनिमन थ्री एक्स स्क्वायर, हाँ आत्मज करने की, यानी कोप्शन जो भी होगा डज नॉट मैटर, सिर्फ आपको किस चीज का ख्याल रखना है वेरिएबल का। अगर आप यहां चेक करोगे तो वेरिएबल क्या है एक्स, अगर आप यहां चेक करोगे तो जिगर मेरा वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है एक्स, मगर अगर आप यहां देखोगे ना तो वेरिएबल का एक्सपोनेंट जो है, जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट है यहां तो वन है मगर यहां क्या है, यहां तो जिगर मेरा टू है। तो इनको क्या हम कहेंगे लाइक टर्म्स, नो, यानी टर्म्स दीज टू टर्म्स आर नॉट लाइक टर्म्स। सर इम क्या इच्छन पान में लाइक टर्म्स, बेटा मैंने आपको कंसेप्ट में पढ़ाया लाइक टर्म्स माने के तीन टर्म्स यमन इज वेरिएबल आसन सेम, यमन इज वेरिएबल आसन सेम, दे आसन वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट सेम। फॉर एग्जाम्पल अगर भाई निमन फाइव एक्स की पावर टू, इतने पर निमन भा वन बाई टू एक्स की पावर टू, बेटा चेक करो, अगर आप यहां चेक करोगे वेरिएबल क्या है एक्स, अगर आप यहां देखोगे वेरिएबल क्या है एक्स, अगर आप यहां चेक करोगे एक्सपोनेंट क्या है टू, अगर आप यहां देखोगे एक्सपोनेंट क्या है वो है बेटा टू। अगर ऐसी मुश्किल है बेटा यमन के चेस बनान, यमन मनो जिगर मेरा लाइक टर्म्स, यमन क्या मनो जिगर मेरा लाइक टर्म्स। एक और एग्जाम्पल अगर मैं लूंगा ना, यानी थ्री एक्स वाई बेनिमन बा वन बाई टू वाई एक्स, जिगर मेरा चेक करू यहां भी एक्स है यहां भी एक्स है, एक्स का एक्सपोनेंट क्या है वो है वन, यहां भी एक्सपोनेंट क्या है वन, अच्छा यहां चेक करू वाई 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 एक्सपोनेंट इज वन एक्सपोनेंट इज वन। तो बेटा अगर आप यहां देखोगे यमन क्या बनो, इम आ सके जिगर मेरा क्या लाइक टर्म्स, इम गई क्या लाइक टर्म्स। हाँ ऑर्डर छो मैटर करा के एक्स ये तेना से ये तेना, इट डज नॉट मैटर। वन मोर एग्जाम्पल अगर किसी ने पूछा ए बी सी स्क्वायर और मैं लूंगा बी ए सी स्क्वायर, चाहे लाइक टर्म्स है, हाँ बेटा है, ए ए एक्सपोनेंट वन एक्सपोनेंट वन, बी बी एक्सपोनेंट वन एक्सपोनेंट वन, सी सी एक्सपोनेंट वन टू एक्सपोनेंट टू, एक्सपोनेंट माने को पावर पावर, यहां भी टू है और यहां भी टू है, अच्छा ये तो पॉइंट। अगर जिगर मेरा अब आपको देखना है कि अनलाइक टर्म्स माने क्या आ गई, यानी अनलाइक अनलाइक टर्म्स माने क्या आ गई, यानी जिगर मेरा अनलाइक टर्म्स क्या आ गई, हाँ अनलाइक टर्म्स माने क्या गो तेल जिगर मेरा इम गए तीन टर्म्स, इम गए तीन टर्म्स, ये माने कोई जी चीज उचित, यानी अगर वो मिनिम टू एक्स बेनिमन थ्री एक्स स्क्वायर, ये तीन चीज जिगर मेरा वेरिएबल सेम मगर पावर चुन सेम के, ये मन क्या मानो, ये मन मानो अनलाइक टर्म्स, ये मन मानो जिगर मेरा अनलाइक टर्म्स। इतने बोल अगर भाई निमन वन बाई टू एक्स की पावर थ्री बेनिमन फाइव एक्स की पावर टू, बेटा वेरिएबल चीज सेम मगर 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 एक्सपोनेंट चुन सेम के, ये थे बोल थ्री वाई स्क्वायर थ्री वाई स्क्वायर, इतने बोल सेवन 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 एक्स स्क्वायर। अगर बेटा यहां चेक करोगी वेरिएबल्स आर नॉट सेम मगर इम जन एक्सपोनेंट छ जिगर मेरा सेम इमन मगर वेरिएबल छ इमन सेम के, इनको बेटा क्या कहेंगे, इमन मनो जिगर मेरा अनलाइक टर्म्स।
उम्मीद है मुझे ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह एक और टॉपिक पे बात करें।